तो दोस्तों ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं आज से नहीं, मतलब जो जो चीज़ जब जब मन करेगा या जब जब मेरे में आलस नहीं आएगा तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो आज का जो पहला व्लॉग है वो होने वाला है, मैंने एक SMPS मंगाया था, क्या नाम है इसका, ES स्पोर्ट्स। तो पहले मैंने 400 वॉट मंगाया था, मेरा ख़राब हो गया था SMPS, जो पुराना बहुत पुराना लगा हुआ था मेरे PC में। तो ये जो SMPS है 400 वॉट वाला, वो मेरे को सूट, मतलब मेरे कंप्यूटर को सूट नहीं हुआ, तो मैंने क्या करा कि उसकी जगह 700 वॉट वाला मंगा लिया। ठीक है, तो एक तो ये मंगाया है मैंने, इसको रिप्लेस करने में अभी दोनों पड़े मेरे पास, और जो 400 वॉट वाला है वो अपन रिप्लेस पे डाल चुका हूँ मैं, अब वो जब भी रिप्लेस होगा उसको रिटर्न कर देंगे हम। ठीक है, और एक VM की मैंने 2 TB की हार्ड डिस्क SSD मंगवाई है। ठीक है, क्योंकि मेरे को मूवीज़ का बहुत शौक है, मैं बस 1 TB से ऊपर की मूवीज़ पड़ी है, और किसी को चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। और जो भी मूवी चाहिए सारी है मेरे पास, अच्छे प्रिंट में, 60 FPS, और साथ में मतलब सारी पिक्चर। जिसको 3D देखना पसंद है, किसी के पास ग्लासेस हैं और अगर 3D TV है तो उसमें, उसके लिए मेरे पास 3D मूवीज़ भी काफ़ी सारी पड़ी है, और मैं आपको सारी मूवीज़ वगैरह सब दिखा दूँगा जितनी भी है। और उसके अलावा मैंने एक रैम मंगवाई है सेम ES स्पोर्ट्स की, 8 GB की सिंगल स्टिक मंगाई है मैंने, क्योंकि मेरे पास 2 GB की पुरानी रैम लगी हुई थी, और मैं काफ़ी, मेरा 2015 का मेरा PC है, और मैं बहुत मतलब चला रहा था काम, क्योंकि मेरे तक काम आता नहीं था। बाय द वे मैं क्या जॉब करता हूँ ना, तो मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं है, और जितना टाइम मिलता है मैं बस मूवी डाउनलोड करता हूँ, देखता हूँ, ना मेरे को गेम्स का शौक है ना किसी चीज़ का है। और अब मेरे पास क्या, मेरी शादी हुई थी रिसेंटली, तो मेरे पास डेटा बहुत सारा है, तो इसलिए मैंने 2 TB की हार्ड डिस्क मंगाई है, उसमें मेरे को सारा डेटा स्टोर करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो धीरे धीरे, ये फर्स्ट ब्लॉग है तो बहुत कुछ बताता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कौन से गेम, हाँ मारियो खेलेंगे, वो तो बात है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट्स जो भी अभी आए हाल फिलहाल, और मेरा PC भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, लो देखो, है मेरा लेटेस्ट SMPS जो 700 वॉट का मैंने मंगाया है, और ये मेरा रिप्लेसमेंट में जाएगा, और ये है VM की 2 TB SSD। इसके अंदर अपन बहुत सारी मूवीज स्टोर करने वाले हैं, जितनी मेरे पास पड़ी है, चाहे वो पुरानी हो चाहे लेटेस्ट हो। तो बता देता हूँ मैं सबकी एक बार प्राइस, इसका जो MRP था वो था 29,999, और ये मेरे को अभी ऑफ़र में पड़ी है, अमेज़ोन से मैंने मंगाई है, तो मेरे को सारे कार्ड वार्ड सब लगा के आप कुछ चेक कर लेना, हाल फिलहाल लेटेस्ट अगर जो वीडियो दिखेगा उसको शायद बेनिफिट मिल जाए। तो ये मेरे को पड़ी है 6,200 कुछ रुपए की, और ये है 8 GB की स्टिक रैम, तो इसकी MRP है 2,999 की, और ये मुझे 800 रुपये समथिंग कुछ पड़ी है, और ये मुझे क्या है भाई इसकी MRP, इसकी है 4,499, और ये मुझे पड़ा है 2,200 समथिंग कुछ रुपए का, और ये मुझे पड़ा था, इसकी MRP थी 1,999 की, तो ये कितने का पड़ा था, ये 1,000 रुपये का कुछ पड़ा था। तो इसको तो अपन रिप्लेसमेंट में डाल दिया है, इसको अपन इसको भगाओ। ठीक है, तो अब मैंने ये क्यों मंगाया, इसका रीज़न ये था कि मेरे को नॉलेज तो है कंप्यूटर की और हर चीज़ की, लेकिन इतनी नहीं है कि हाँ ठीक है कौन इतना परफेक्ट चीज़ मंगाए। तो मैंने बस ये है कि जो स्टार्टिंग मॉडल जो देते हैं कंपनियां, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, जो सबसे ज़्यादा कम पैसों में सबसे ज़्यादा स्टोरेज, चाहे स्टोरेज हो गई, चाहे रैम हो गई, या फिर SMPS हो गया, तो जो सबसे ज़्यादा जिसने दिया, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया हाल फिलहाल। तो ठीक है, कोई प्रोफेशनल काम तो करता नहीं, बस मेरे को मूवीज़ वगैरह देखनी होती है, और ये मेरा पुराना PC है, ये लिनोवो की एक हार्ड डिस्क है 1 TB की मेरे पास, और अंदर एक SSD लगी हुई है 500 GB की, और 1 TB की और हार्ड डिस्क लगी हुई है जो है इंटरनल। ठीक है ना, तो अब चलो अपन अब इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट से, और सबको डाल के देखते हैं, और देखते हैं क्या क्या फ़र्क है। तो ठीक है, चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। ठीक है, और मैं वाला भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास पुराना है, वो कैसा था, वही कैसा था, पहले इसको दिखा देता हूँ 400 वॉट वाले को। ठीक है भाई, तो ये ऐसा था, इसमें वायर सारे मिल ही जाएंगे। ठीक है ना, और इसको कोई वायर का कन्फ्यूज़न हो किसी भी चीज़ का, मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा कि कौन सा वायर कौन से PC में और कौन सा लगना चाहिए, या फिर किसी को कोई कन्फ्यूज़न किसी को। ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं, ये तो अपना काम का नहीं, इसको वापस पैक करके भेज देंगे। तो ये है अपना 700 वॉट का, हालांकि मेरे PC जो मेरा मदरबोर्ड है वो इतना सपोर्ट भी नहीं करता 700 वॉट, पर मैंने मंगा लिया। ठीक है, चलो क्या इन फ्यूचर अगर मैं रैम या कुछ SSD बढ़ाता हूँ या किसी भी चीज़ बढ़ाता हूँ तो वापस बदलना नहीं पड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये है, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी उससे भारी है, और ये है कुछ वॉल्ट इधर से उधर करने वाले जो लिखे हुए हैं,
ठीक है बाकी तो आप सब देख ही लेना, बाकी अनबॉक्स दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसी मतलब मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे इन सब चीज़ों की, तो बहुत कम लोगों ने डाल रखे, तो मैंने सोचा था कि मैं ही बना के डाल देता हूँ, देख लेना आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हो। ये इसकी केबल है और ये तार जुड़ने का जो है ना ऊपर तार और कुछ पेचकस है, ठीक है ना, ओपन इसको दिखा देते हैं। तो ये सारी पिंस हैं और ये बहुत सारी हैं, तो ये तो हो गई आपकी जो मेन मदरबोर्ड में लगती है 19 को ऐसे कर सकते हैं, और ये हो गई अपने सीपीयू पिन जो प्रोसेसर में लगती है, और ये भी सेम चीज़ ही है, बट ये है कि इसके अंदर 8 वाला है जिसके पास 8 पिन का अगर हो तो वो, और ये है 6 और 2 का हिसाब लगा लेना आप, तो दिखा देता हूँ। और ये है अपने साटा कनेक्टर के अंदर जो होती है, स्टार्ट हो गई क्या? ठीक है, तो वो वीडियो मैं चाह रहा था कि एक ही सिंगल वीडियो क्लिप के अंदर ही सब कुछ बता रहा, बट क्या करें लोगों को पता पड़ रहा है, फर्स्ट टाइम वीडियो बनाते हैं तो कट भी मारने होते हैं, और वो वाला कट भी होते कि मेरा स्टोरेज फुल हो गया फोन का, तो स्पेस फुल भरा हुआ था, तो चिंता मत करो, वो भी अपन 1 TB का जब फ़ोन लेंगे 4G Pro Max तब अपन ठीक है, ये तो हो गया सब देख ही लिया होगा, और तो इसको अपन साइड में रखते हैं, ये लगाएंगे अपन। ये है रैम जो मैंने बताया कि ये स्पोर्ट्स की AMD जो भी है, और देख सकते हो आप क्या दिखा, तो मैंने पहले भी दिया, इसकी भी वारंटी है कितनी 3 साल की, वारंटी गारंटी के लिए अपन कहा जाएंगे मुझे पता नहीं, बट ठीक है जब तक काम चलेगा चलाएंगे। ठीक है, तो ये अनबॉक्स यहाँ से जो रखी है क्योंकि शायद जो वीडियो बना रहा है उन्होंने अनबॉक्स कर दिया, उनसे भी हम आपको परीक्षा कर रहे हैं, जो देख सकते हो ये है 8 GB की एक स्टिक। अब देखते हैं लगाने के बाद परफॉर्मेंस, तो खैर पहली बार अगर मैं अपने पीछे को डबल कर रहा हूँ 4 GB रैम से, 8 GB प्लस 4 कितने हुए 10 नहीं 12 GB, तो देखते हैं अब क्या परफॉर्मेंस मिलता है, हालांकि कहते हैं 2 स्टिक एक जैसे लगानी चाहिए, ठीक है देखते हैं। और फाइनली मेरी फेवरेट चीज़, मेरे को स्टोरेज का बहुत शौक है क्योंकि पता है ना आपको मूवीज़ वगैरह और सब चीज़ें, तो ये है 2 TB DMP, और सबसे मतलब अच्छी स्पीड वगैरह भी इसके अंदर है, रीड स्पीड है 550 MBPS और राइट स्पीड है 500, तो अच्छी होगी खैर पहले से, तो ठीक है। तो इसका अनबॉक्स बड़े प्यार से करूँगा मैं क्योंकि मैं चाहता नहीं कि इसका रैप पर ये मैंने अनबॉक्स तो कर ली है बड़े प्यार से, यहाँ से ही मतलब कोशिश के लिए चल रहा है, तो ये है एकदम फ्रेश SSD DMP 2 TB, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मतलब समझ सकते हो कितना अच्छा फील हो रहा है, कोई भी चीज़ अनबॉक्स नहीं कर रहा, और खैर बहुत सारी चीज़ें अनबॉक्स करी है पहले तो, लेकिन कभी शौक नहीं था, और वो भी अब दुनिया चले तो दुनिया से चलना पड़ेगा वीडियो बनाने में, क्योंकि तो आप देख सकते हो। चलो अब इसको तो एक बार पहले सब कुछ इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा पीछा कर लेते हैं, मिट्टी बहुत रहती है। तो ये है मेरा ओल्ड PC, AMD का प्रोसेसर इसमें है और GigaByte का मदरबोर्ड है, और ये प्रोसेसर का फैन भी टूटा हुआ है क्योंकि मैं जब इस एयर मशीन से इसमें एयर मार रहा था मतलब साफ़ कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इससे थोड़ा सा टच कर दिया मैंने घुमाते वक्त और पंखड़ियाँ टूट गई, तो इसका मेरे को मिल नहीं रहा है, हालांकि मैंने इसको भी ऑनलाइन बाय किया है इसके फ़ैन को CPU कूलर को, तो अब देखते हैं वो आएगा जब आपको उसकी भी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, क्योंकि तो 2 GB की DDR3 रैम लगी हुई है इसमें, अपन न्यू रैम इंस्टॉल करने वाले हैं और 2 TB का SSD, ठीक है ना। तो ये मेरा एक तो ग्राफिक कार्ड हो गया, ये काफ़ी पुराना है और NVIDIA का है, और ये है 1 TB की हार्ड डिस्क, और ये हमारी SSD ये रही, और ये अपनी CD drive, ठीक है, हालांकि काम तो नहीं आती बट ठीक है लगा रखी है, तो और ये पुराने इंटेल का जब मेरे पास मदरबोर्ड था तो उस वो ख़राब कर दिया था मैंने, उसको बार बार साफ़ करके तो ज़्यादा फिर वो दुनिया से साफ़ हो गया, तो उसका जो फ़ैन है वो तो चलो ठीक है लगा रहा है अलग ही टाइम से भी, तो इसको इंस्टॉल करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन से इसमें लगाना है, चलो इसमें तो लगी हुई है एक,
ठीक है। तो अपन इसका स्लॉट चेंज करते हैं, ये जो तो पुरानी लगी हुई है इसको करते हैं अपन 4 और 3 में, और जो नई आई है 8 GB की इसको करते हैं अपन 1 में, ठीक है ना। तो हालांकि एक कहते हैं ना कि 2 स्टिक होनी चाहिए वैसे तो, चलो हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो भैया ये आने गाने 3 अपन ने रैम लगा दी इसके, अब देखते चलेगी दिन के दिन। तो रैम लग चुकी है, अब लगाते हैं अपन, क्या लगाएं पहले SMPS फिट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको SMPS फिट करके, तो SMPS फिट करते हैं। तो सब कुछ फिट हो चुका है, ये अपनी EVM की SSD लग चुकी है जो पहले थी मेरे पास, कौन सी थी, क्रुशल की थी शायद, हाँ ठीक है वही थी। और ये अपनी रैम लग चुकी है जो भी मंगाई थी, और ये आपका SMPS रेडी है। और अब इतने सारे तार हो गए, इसको अपन बाद में समेटेंगे, पहले चला के देख लेते हैं चल भी रहा है, चल रहा बस डर लग रहा है कि ब्लास्ट ना हो जाए। तो चलिए सब कुछ हो चुका है रेडी, अब देखते हैं अपन चला के ब्लास्ट नहीं हो जाए बस, तो लगा तो दिया ट्रम शटर, अरे भैया चल भी नहीं रहा। तो इसमें शायद ऑन ऑफ का स्विच भी था SMPS में, जो पहले 400 वोल्ट था उसमें नहीं था, इसमें था, तो अब चल चुका है फाइनली, दबा दिया है बटन और देखते हैं। तो फाइनली चल चुका है अपना PC, और बता देता हूँ कि इसमें जो मदरबोर्ड था वो विंडोज़ शायद 8 को सपोर्ट करता था लास्ट, पर इसमें मैंने विंडोज़ 11 डाल रखी है और उस टाइम पे बहुत अटकता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो देखो मेरी जो रैम मैंने बढ़ाई है वो बढ़ चुकी है, वो 12 GB रैम हो चुकी है 4 GB से, और क्या था SSD, तो देखते अपनी SSD और बहुत फास्ट चल रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही बर्फ़ की तरह स्लिप हो रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो ना पहले आप देखते तो ठीक है। इसमें लिनोवो की 1 TB आ गई है, अपनी SSD नई वाली शो भी नहीं कर रही, ये तो लिनोवो की, और ये हो गई SSD। ठीक है एक बार चेक करके फिर हम बाकी आगे देखते हैं।
इसमें तो आ गई आपकी सीपीयू, आ गया रैम, आ गई कभी 2 TB हार्ड डिस्क हो चुकी है क्योंकि मैंने पावर तो दी नहीं थी उसको, काफ़ी सारी गलतियाँ हुई, काफ़ी सारी नहीं दो एक और रैम भी स्लॉट 1, 2, 3 प्रॉपर वेज तक आई थी। भाई टॉरेंट वॉरेंट से ओपन करते हैं, इसको ओपन सेटअप करते हैं, जी पी टी और क्या रखते हैं पे इंस्टॉल, ठीक है। तो न्यू वॉल्यूम रेडी है क्या रखा होगा, ये चीज़ देख लेते हैं और अपने रैम देख लेते हैं थोड़ा सा किताब का परफॉर्मेंस तो यार बढ़ गई इसकी, काफ़ी मस्त स्मूथ चल रहा है। 12 GB की रैम हो गई और क्या है, ठीक है इसको ओपन कर, हाँ तो ठीक है इसको ओपन कर लेते हैं सेटअप। नेक्स्ट नेक्स्ट और बैक टू बैक क्या है, ठीक है नेक्स्ट। चलो भाई हो गया 2 TB हार्ड डिस्क रेडी, जो मेन सबसे हाँ हाँ कितना अच्छा लगा लिखा हुआ। चलो अब अपन सारा डेटा जो है जो काम का नहीं है वो इसमें मूव कर लेते हैं क्योंकि जुगाड़ है एक तरीके से, तो बाकी जो अच्छी SSD और हार्ड डिस्क है उसमें अपन अपना पेंट कर डाल लेंगे। तो चलो ठीक है, फर्स्ट वीडियो इसी चीज़ पे था कि नया थोड़ा कंप्यूटर बनना था मतलब बढ़ाने की स्पीड, तो ये सब डाल दिया। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है, जरूरी नहीं कंप्यूटर से लेकर ही हो, कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है, सब कुछ आएगा इसमें।